पूरा एक बड़ा अच्छा सपोर्ट है यहां पर मार्केट के पास में। और यहां पर अगर देखोगे मार्केट कन्वर्जन लाइन पर भी है, तो यहां से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस काफी बनते हैं। तो अभी वेट करते हैं कि मार्केट करेगा क्या, लेकिन जब तक कन्वर्जन लाइन क्रॉस नहीं होती आपका 20 मूविंग एवरेज से, और जब तक चीका उस पेन आपका क्रॉस नहीं करती है, कैंडल के आसपास नहीं आ जाती, तब तक हमारा बाय नहीं बन सकता, ये भी हमें पता है। तो अब हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट यहां पर करेगा क्या। राइट, अपनी तरफ से कोई डिसीजन मत लो, मार्केट को चलने दो, मार्केट जहां पर जाएगा उसके हिसाब से आप ट्रेड करो तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी देखो वेट कर रहे हैं खाली, यहां पर मार्केट करता क्या है। पॉइंट है छोटा छोटा है, जिन पॉइंट्स को आप साथ में ले सकते हो, आराम से चेक करो कि मार्केट करता क्या है, मार्केट को मूव करने दो। और ज्यादा विश्वास किस पे करोगे, अगर तीनों में से विश्वास करना पड़ता है, 20 मूविंग एवरेज, कन्वर्जन लाइन और चीका हाउस पेन, अगर तीनों में से मेरे को विश्वास करना पड़ता है किस पे, तो मैं किस पे करूंगा, चीका हाउस पेन पे। राइट है, मेरा ज्यादा फेथ चीका हाउस पेन पर रहेगा। अगर हो सकता है ये क्रॉस कर जाए, और चीका हाउस पेन अगर नहीं क्रॉस करी होगी तो भी मेरे को बाय नहीं मिलेगा, ठीक है, चाहिए क्रॉस करके निकल जाए। अगर चीका हाउस पेन क्रॉस नहीं करेगी कैंडल को तो मेरा बाय पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मुझे इश्यू होगा अगर मार्केट मेरे को बाय नहीं देगा। तो अभी वेट कर रहे हैं मार्केट यहां पर क्या करेगा, थोड़ा सा वेट करते हैं, मार्केट का एक मूव आएगा, अगर इसके ऊपर चलेगा तो हमारा एक बाय शुरू होगा। अभी नहीं है, अभी मार्केट में चीका हाउस पेन को देखो, अगर बाय के लिए टाइम लेता हूं तो अभी मेरे पास टाइम लग सकता है इसको, अगर मैं इसी पोजिशन पे इसे लेके चले जाता हूं तो कम से कम इसे 7 मिनट लग सकते हैं, बाय लेने के लिए 7 मिनट लगेंगे इसे एग्जैक्टली। अभी तो अभी देखते हैं मार्केट, ये सपोर्ट लेवल है, बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल, अगर यहां से पकड़ता है तो आराम से बाय पकड़ के ले जा सकते हैं। और वेट कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं मार्केट यहां पर करेगा क्या, थोड़ा सा वेट करें और देखें कि मार्केट क्या करके देता है आपको। सपोर्ट बना रहा है मार्केट, अभी देखो कन्वर्जन लाइन के ऊपर, अभी कन्वर्जन लाइन के ऊपर तो पहले भी चला है, लेकिन मार्केट अभी कन्वर्जन लाइन के ऊपर दोबारा आने की ट्राई कर रहा है, लेकिन आया नहीं है। इस पार्ट को थोड़ा सा ध्यान से चेक करना कि जब तक मार्केट 20 के ऊपर ना आ जाए, कन्वर्जन लाइन के ऊपर मार्केट बार बार घूमता रहता है, जब तक 20 के ऊपर ना आ जाए तब तक मूव ना दे, ठीक है, तब तक मूव ना ले, तब तक आपको मूव लेने का फायदा नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा वेट करें। क्या कर रहा है मार्केट, देखे क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है बाय करने की या नहीं, सपोर्ट देखे मार्केट चल रहा है, अभी चलेगा ऊपर। एक हम अपना टारगेट एक और भी लगा देते हैं, मैं यहां पर भी एक टारगेट लगा देता हूं, ये वाला 4917, 4917 पर भी एक टारगेट हम लगा के छोड़ देते हैं यहां पर, 4920 पे, 4920 पे भी एक एक टारगेट लगाते हैं, इसका छोटा सा टारगेट। अभी देखो चल रहा है मार्केट, अभी चल रहा है, ना तो बाय में ना सेल में, अभी कुछ भी नहीं है। और एक हम स्टॉक के साथ में, केवल एक स्टॉक के साथ में स्टडी कर रहे हैं कि एक स्टॉक पे बाय आती कब है, हम उसको वेट कर रहे हैं कि एक स्टॉक पे बाय आती कब है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां से हम बाय ले सकते हैं, हम वहां से अगर बाय पकड़ेंगे तो हमें बाय मिल भी सकती है या नहीं मिल सकती, हम केवल इस पार्ट को आज जजमेंट कर रहे हैं कि क्या हमारी बाय हो सकती है या नहीं हो सकती। तो अभी वेट कर रहे हैं मार्केट को, मार्केट ने क्या किया है, अभी वेट करते हैं, जब तक मार्केट 20 मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं आ जाएगा तब तक मेरा बाय बन नहीं सकता। राइट है, पहले भी ट्राई किया मार्केट ने, नहीं आ पाया, देखो कोई क्लोजिंग नहीं हो पाई, अभी भी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर कोई भी क्लोजिंग नहीं है मेरी। तो अब वेट कर रहे हैं कि मार्केट क्या 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करता है या नहीं करता है। एक बाय एक्सपेक्टेड है मार्केट के अंदर, लेकिन अभी आए नहीं है, बाय डेवलप नहीं हुई, एक्सपेक्टेड है बाय लेकिन डेवलप नहीं हुई। तो बाय जब तक डेवलप ना हो जाए तब तक आप उसके अंदर काम मत करें, रुके रहें। मेरी बाय कब होनी चाहिए, ठीक है, मेरी बाय होनी चाहिए यहां पर। कई बार आपके ट्रेड नेगेटिव जाते हैं, समझो, कई बार आपके ट्रेड नेगेटिव जाते हैं, नेगेटिव जाने पर घबराना नहीं है, उस टाइम पर उसको थोड़ा सा मैनेज करो कि मेरा ट्रेड मैनेज कैसे होगा। अगर आप ट्रेड को मैनेज कर पाए तो आपको बहुत अच्छा मूव देखने को मिलेगा और अपने आप में सुधार देखने को मिलेगा। यहां पर चेक करो, यहां पर गलती क्या हो रही है, गलती यह है कि चीका उस पेन अभी कोई भी कैंडल को क्रॉस करने नहीं आई है,
और जब तक ये कैंडल को क्रॉस करने नहीं आएगी मेरा बाय नहीं बनेगा। और ये चीका उस पेन क्यों कब आएगी कैंडल को क्रॉस करने, जब यहां पर मार्केट एक साइडवेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी मार्केट को एक साइडवेज में कन्वर्ट होना पड़ेगा, जैसे ये मार्केट साइडवेज हो रहा है, ये मार्केट साइडवेज हो रहा है, तो मार्केट को दोबारा से साइडवेज में कन्वर्जन लेना पड़ेगा, तब जाके ये चीका उस पेन ऊपर चलेगी। अभी वेट करिए, या फिर मार्केट से एक और तरीका है, या फिर मार्केट सिंगल शूट कर जाए ऊपर तो भी आपके पास ये चीका उस पेन इधर शूट कर जाएगी। तो आपके पास दो तरीके हैं जहां से मार्केट आपको मूव दिखा सकता है, और उन्हीं मूव को हम वेट कर रहे हैं कि वो मूव कैसे काम करेंगे। देखिए चल रहे, अगर ये बाय आई और आपके टाइम तक आ गई तो बहुत अच्छी बाय देखने को आपको मिलेगी। जब तक क्लास का टाइम है अगर तब तक आ गई बाय तो बहुत अच्छी बाय देखने को आपको मिलेगी। एक बार भी मार्केट अगर इसके ऊपर रुक जाता है 20 मूविंग एवरेज के ऊपर, तो आपका चीका उस पेन आपका चलनी शुरू हो जाएगी, वहां से आप अपनी एक बाय उठा सकते हो। तो थोड़ा सा वेट करें, अभी चल रहा है मार्केट, अभी गया नहीं है, अभी गया नहीं है, अभी तो वेट कर रहे हैं हम खाली कि मार्केट करेगा क्या। देखो अब धीरे धीरे ट्राई कर रहा है, अभी भी नहीं गया, देखो अभी भी वेट वेट एंड वॉच ही चल रहा है। अगर उसके ऊपर जाता है 20 मूविंग एवरेज के तो आपका एक बाय बनेगा। चलो जब तक ये चल रहा है तब तक निफ्टी को भी देख लेते हैं, निफ्टी क्या कर रहा है। ठीक है, निफ्टी को अगर मैं देखता हूँ, ये देखो मैंने रखा हुआ है, अभी हटाया नहीं है, समझना, इसको जब आप शाम को देखोगे तो ये पॉजिटिव ही मिलेंगे सारे आपको। मैं देखो इसको अभी तक भी मैनेज करता हुआ ला रहा हूं, इसका तो मेरे को चिंता ही नहीं है, इसकी तो मेरे को चिंता ही नहीं है। मतलब जो आपका निफ्टी है, निफ्टी का तो हमें चिंता ही नहीं है, क्योंकि मार्केट नीचे आके वापस ऊपर चला जाएगा। हम दो बार इसे पॉजिटिव कर चुके हैं, तीसरी बार भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा कंसर्न इस समय LTIM है। और LTIM में देखो मैं एक एक क्वांटिटी बढ़ाता जा रहा हूं। आप इस समय देखते हो 29 क्वांटिटी हो रखी है और मैं इसे रखे हुए हूं, अभी नहीं हटाऊंगा। हमने एक प्रॉफिट बुक कर लिया है और बाकी हम अभी काम करना शुरू कर रहे हैं। तो एक क्वांटिटी मेरे को ऐड करनी है। निफ्टी में क्वांटिटी कब ऐड करूंगा जरा बताएं, निफ्टी का सपोर्ट कौन सा होगा जरा कोई भी प्लीज बताएं, निफ्टी में कब मेरे को ऐड करना है, जल्दी बोले, क्या मैं कभी भी ऐड कर दूं या सपोर्ट पे कहीं पर आने दूं इसको? सपोर्ट पे और कैंडल या ग्रीन सपोर्ट पे आने दे, राइट है। तो मेरा एक सपोर्ट लेवल है मार्केट का, और कम से कम इस सपोर्ट पे, मैं बड़ा सपोर्ट है ये वाला, इस सपोर्ट पे आने दूंगा। और अगर इसका 10-15 मिनट का कोई सपोर्ट है उसको भी चेक कर लेते हैं। 10-15 मिनट के कई सारे सपोर्ट है मार्केट के पास में, तो इस समय करंट सपोर्ट कौन सा बनना चाहिए कोई बताए, ये वाला ऊपर वाला? यस सर, यस सर, मार्केट को इसके ऊपर चले जाना चाहिए। अगर आप एक छोटा सा पॉइंट देखते हो निफ्टी के केस में, तो निफ्टी के केस में मार्केट ने क्या कर रखा है, ये डाउन, ये अप और ये डाउन, एक डाउन की वेव है ना, यस सर, इसके नीचे एक डाउन, यस इसके नीचे एक डाउन आ सकता है, राइट, मार्केट के पास एक डाउन इसके नीचे आ सकता है, लेकिन अगर मैं बाय देखता हूं तो बाय इसके ऊपर बनता है, राइट? जी सर, मार्केट अगर जाएगा तो इसके ऊपर अपना बाय बनाएगा। तो हम वेट कर रहे हैं मार्केट क्या करेगा। ऐसे में जब कभी आपको लगे ना मार्केट नीचे आने वाला है, या तो अपनी आप हटा देते हो, एसएल में काट देते हो, या फिर आराम से वेट करो, दूसरा ऐड मत करना यहां पर, दूसरा मेरे को ऐड नहीं करना, दूसरा मेरे को इसके ऊपर जाने पर ही ऐड करना है। या तो मार्केट को तसल्ली से आ जाने दो, यहां पर जहां पर भी सपोर्ट बने दूसरा सेकंड ऐड कर दो, या फिर अगर मार्केट यहां से ऊपर चलता है तो यहां पर ऐड करो, यहां पर जबरदस्ती ऐड मत करना, क्योंकि यहां से गिर सकता है मार्केट, कभी भी नीचे गिर के आ सकता है, तो हम इसको ऐड नहीं करेंगे। LTIM की अगर मैं बात करता हूं, LTIM क्या बाय में आ गया, देखो अभी, यस। अब ऐसे केस में जब आपका लॉस हो रहा हो, ऐसे समझो, अगर ऐसे केस में जब आपका लॉस हो रहा हो तो उस केस में आपको एक जरा सी बड़ी क्वांटिटी कब ऐड करनी है, कोई भी बताए कब ऐड करनी है मेरे को बड़ी क्वांटिटी, जब मार्केट इसके ऊपर चलेगा, राइट है, जब मार्केट अपने 20 मूविंग एवरेज के ऊपर चलेगा या क्रॉसओवर करेगा, तो उस टाइम पर मेरे को जरा सा क्वांटिटी को बढ़ाना है जिससे मेरा लॉस बहुत जल्दी कवर हो जाए। ये पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट में काम कैसे करना है। ये काम करने का तरीका है, या तो आप जब एंट्री लेते हो तो इसके ऊपर ही एंट्री लो, और अगर उसके ऊपर एंट्री नहीं ले रहे हो और आपकी एंट्री गलत हो गई है तो दूसरी एंट्री के लिए सही पोजीशन ढूंढो कि दूसरी एंट्री के लिए सही पोजीशन क्या होगी, राइट है। अब कब मेरी एंट्री होगी दूसरी, और कब एंट्री होगी बताएं, जब मार्केट इसके ऊपर जाएगा, जिस मोमेंट चला जाए
उस मोमेंट आप अपनी एंट्री उस समय डाल सकते हैं। तो जबरदस्ती एंट्री नहीं करनी, मार्केट नेगेटिव जाता है जाने दो, मार्केट जाने दो नेगेटिव जाता है, आप अपनी एंट्री के लिए सही पोजिशन ढूंढो, अगर वो सही पोजिशन आपको मिल जाती है तभी एंट्री लेना, नहीं तो रुके रहो। देखो ये आपका कितनी देर होगी देखो मार्केट को नीचे चलते हुए, अगर यहां से देखते तो लगभग 9:15 से मार्केट नीचे चल रहा है और तब से नीचे ही चल रहा है, तब से बाय का मूड इसने नहीं बनाया अभी। अगर यहां देखोगे तो बाय अभी आई नहीं है, तब से इसके ऊपर मार्केट गया नहीं, क्रॉसओवर हुआ नहीं, चीका उसपेन पास आई नहीं, अभी भी मार्केट थोड़ा डाउन में आ सकता है। और भी कौन बोल रहा है? चीका उसपेन। तो इस पूरे सिनेरियो में हम किस पर विश्वास करेंगे? नंबर वन, नंबर टू एंड नंबर थ्री, किस पर विश्वास करेंगे? नंबर थ्री पर, यस सर। चीका उसपेन। तो चीका उसपेन मेरे को बोलेगा बाय करने को तो ही आप बाय करें, या फिर ऐसे बोले कि जब चीका उसपेन इसको क्रॉस करने आएगी तो उस केस में हम अपनी बाय शुरू कर पाएंगे। तो अभी इसको चलने दो और नीचे लॉस होता है थोड़ा सा हो जाने दो, और जैसे नीचे आएगा मार्केट, जैसे नीचे आएगा तब अपना बाय करना। सर हाँ जी बोले। सर मान लीजिए चीका उसपेन आ रहा था ऊपर सर, फिर भी हमें बड़ा टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा ना, वो क्या कर रहा है? बिल्कुल, बड़ा टाइम फ्रेम में आप क्या देखोगे? बड़े टाइम फ्रेम में कम से कम आर्ली कैंडल ग्रीन होनी चाहिए कि नहीं? कम से कम, राइट है? तब तक मेरे को एंट्री नहीं करनी जब तक आर्ली कैंडल ग्रीन ना हो जाए। अभी देखो आर्ली कैंडल कहाँ है? रेड में बनी हुई है कि नहीं? राइट है। अगर आप यहां पर देखते हो तो देखो ये पॉजिटिव है ना, जी सर, दोनों पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हो सकता है? मार्केट अभी हो सकता है या तो यहां सपोर्ट ले ले या यहां सपोर्ट ले ले। तो अब अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मेरा बाय का केस क्या है? ये कन्वर्जन लाइन है, और अगर मैं एक लाइन डाल देता हूं, तो मेरी कन्वर्जन लाइन कहां पर है? मेरी कन्वर्जन लाइन यहां पर है, राइट? मतलब मेरा बाय तो यहां पर है ना इस समय, यही तो बोलेंगे। और मेरी बेस लाइन कहां पर है? बेस लाइन को मैं ब्लू लाइन से कर देता हूं, ये मेरी बेस लाइन है, राइट है। तो अब अगर मैं वापस एक मिनट में जाता हूं तो अब मेरा सेम ये यहां पर कहानी क्या बोल रहे हैं भाई? अगर आपको बाय करना है तो मार्केट बोल रहा है इसके ऊपर बाय है, इस पॉइंट के ऊपर मार्केट को इस पॉइंट के ऊपर जाना ही चाहिए, तभी मार्केट अपना बाय पकड़ सकता है, यही तो बोल रहा है। राइट, निफ्टी देखो शायद ऊपर चलने में था, अभी अभी चला नहीं है, अभी आने दो इसे और ऊपर, ठीक है? अभी आया नहीं है, अभी ऐड नहीं करेंगे, अभी देखो ऐड नहीं कर रहा हूं मैं कर सकता हूं कि मार्केट ऊपर चलेगा लेकिन अभी ऐड नहीं कर रहा हूं। ऐड कब करना है? यहां पर। वैसे तो अगर देखो मार्केट यहां पर पहुंचेगा हमारा लॉस ऐसे ही खत्म हो जाता है, समझे हमें? हाँ जी सर, एक बार बैंक निफ्टी को भी देखेंगे। निफ्टी बैंक को भी देख लेते, राइट? निफ्टी बैंक क्या कर रहा है इस समय? इस समय आपको पता है क्या चाहिए? इस समय आपको चाहिए कि अपनी एक कॉल लेके आराम से बैठे रहो, जबरदस्ती मत करो उसके साथ में, ठीक है? वो अपने आप बाय कन्वर्ट करेगा। देखो बैंक निफ्टी का सपोर्ट कहाँ है? ये बैंक निफ्टी का सपोर्ट है या नहीं बताओ? सर निफ्टी ने 5 मिनट में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया क्या? बिल्कुल, मैं देख लेता हूँ एक मिनट। देखो मार्केट का ये सपोर्ट है, निफ्टी बैंक का ये सपोर्ट है, निफ्टी बैंक अच्छी तरह गिरा है, अपने सपोर्ट पे आया, एक बैक कैंडल मारी है, अब इसके ऊपर मार्केट का बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट बनता है। अभी देखते हैं उसके ऊपर मार्केट सपोर्ट लेता है नहीं लेता है, लेकिन वहां पर एक अच्छा सपोर्ट है मार्केट के पास में, मार्केट वहां से आराम से ऊपर चल सकता है अगर हम देखेंगे तो। मार्केट अभी लॉट ऐड करना हो तो कहां पे कर सकते हैं सर? एक लॉट अभी लॉट ऐड किसके ऊपर करना, राइट है? ये देख रहे हो ये मल्टीपल रेजिस्टेंस बने हुए हैं ना? हाँ जी सर। ये मल्टीपल रेजिस्टेंस मार्केट को नीचे की तरफ धकेल सकते हैं, राइट? तो इसके ऊपर जब चले जाएगा मार्केट तब अपना एक लॉट को ऐड करना, अभी मत करना। वैसे भी रैली का 50% होना चाहिए कि नहीं? राइट सर। तो अभी ऐड करके फायदा नहीं है, थोड़ा सा रुक जाओ। थोड़ा सा रुकोगे तब आपका मार्केट एक एडिशन का परमिशन देगा आपको, तब आप आराम से जा सकते हो। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के केस में ये एक साइडवेज मार्केट है, और साइडवेज मार्केट के डाउन में मार्केट बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा मार्केट को मूव करने दो, हल्का सा मूव करने दो, तब आपका मार्केट एक अच्छा मूव आपको देके चला जाएगा। अभी नहीं है, इसके ऊपर जाएगा बाय ही करना है, सेल मत करना अभी, क्योंकि मार्केट ने हाई को ब्रेक किया है तो मार्केट एक मूव बढ़ा लेगा। अभी देखिए क्या ये बाय में आ रहा है? ये तो अभी नहीं आए, इतनी देर से हम एक स्टॉक के साथ में बैठे हैं और हम चेक कर रहे हैं कि मार्केट करेगा क्या।
ये देखो मार्केट अब ऊपर चलना शुरू होगा, उसका रीजन क्या है, मार्केट नीचे आया था, ये सपोर्ट पकड़ा, रिजेक्शन लिया और मार्केट यहां से भी इसके ऊपर चलेगा, तो मार्केट का एक मूव यहां पर हो सकता है आराम से, और उस मूव को आप यहां पर सस्टेन भी करा सकते हो। मार्केट अगर इसके ऊपर गया फिर से बड़ा मूव लेगा अपना, लेकिन इसके ऊपर जाना चाहिए मार्केट को, इस कंडीशन को ध्यान देना, इसके ऊपर मार्केट को जाना चाहिए तब अपना कोई बाय ऐड करोगे, नहीं तो नहीं करोगे, राइट है। अगर मैं आप चला जाएगा अभी उसके ऊपर जाना ही है मार्केट को, अगर मैं निफ्टी 50 की बात करता हूं तो निफ्टी 50 कहां पर जाना चाहिए, ये निफ्टी 50 है, कहां जाना चाहिए इसको, ये पॉइंट हमने लगाया हुआ है, उसके ऊपर मार्केट को जाना चाहिए या नहीं बताओ। सर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है क्या निफ्टी 50 में? नहीं, हेड एंड शोल्डर नहीं है ये पैटर्न, ठीक है। हेड एंड शोल्डर क्यों नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छा हेड एंड शोल्डर नहीं है, राइट है। यहां पर अगर आप देखोगे, देखो इसे आप हेड एंड शोल्डर काउंट कर रहे हो, राइट है, लेकिन यहां पर दोनों में हेड एंड शोल्डर को दिक्कत देखो क्या है, यहां पर ये वाला पार्ट तो आपका ऐसे आ रहा है, राइट है, और अगला वाला पार्ट आपका ऐसा जा रहा है, ये हेड एंड शोल्डर अच्छा नहीं होता, ठीक है। जिस तरह से शोल्डर ये बना है उसी तरह से शोल्डर ये भी बने, और इसीलिए हमारी फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हम उसको सही तरीके से समझ नहीं पाते कि हमारा मार्केट कहां पर हमें कौन सा पैटर्न बना के गया है, राइट। अभी देखो मार्केट अगर चलेगा तो इसके ऊपर बाय बनती है कि नहीं, इस पॉइंट के ऊपर, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है और ये सपोर्ट का काम करेगा, एक कैंडल ऊपर जाके रुकनी चाहिए, अगर रुक जाएगी तो आपका बाय बनता है, ठीक है, मतलब एक सपोर्ट बन जाता है मार्केट का। और अगर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखता हूं तो मार्केट यहां से गिरा है, इसके ऊपर जाएगा तो अपना एक सपोर्ट बनाएगा, अभी मार्केट ने अपना सपोर्ट बनाया नहीं है, जिसको हम बोलेंगे बहुत अच्छा सपोर्ट बन गया, मार्केट का भी सपोर्ट नहीं बना, अभी हम रख के बैठे, मैंने कुछ नहीं हटाया, देखो आप सोच रहे हो सबने हटा दिया होगा, मैंने वहीं पड़ा है, मैंने एक भी नहीं हटाया, वहीं का वहीं सारा पड़ा है, इसको अगर लॉस होगा उसको कवर करेंगे, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक क्या है कि लॉस को आपको मैनेज कैसे करना है। आप देखो इस LTIM को मैं कब से मैनेज करता, कितने घंटे हो गए मैनेज करते हुए बताएं, काटने को मैं इसे काट सकता था, कोई बड़ा लॉस थोड़े ना था, झट से काट देते, लेकिन हम इसे मैनेज कर रहे। अगर आप इसे जीरो पे ले आए तो बहुत बड़ी बात होगी या नहीं बताओ, अगर आप इसे पॉजिटिव निकालते हो तो बड़ी बात होगी, निफ्टी तो आराम से पॉजिटिव निकल जाएगा, निफ्टी को पॉजिटिव निकालने का कोई इशू नहीं है, किसको पॉजिटिव निकालने का इशू है, इशू इस समय है आपका इसको निकालने का, ये आपका निकलना चाहिए तब आपके पास मार्केट का एक मूव बनेगा बड़ा अच्छा। देखे अब ये ऊपर चलने लगा है, जैसे ही निफ्टी इसके ऊपर चलेगा अपना एक बाय पकड़ लेगा, तब आराम से अपना एक बाय पकड़ के जा सकता है, अभी आया नहीं है मार्केट का, एक बाय अभी शुरू नहीं हुआ, वेट करें आप दोबारा से वापस। देखो आप भी देख रहे हो मेरे को इसका कंसर्न नहीं है, मेरे को निफ्टी के लिए कोई टेंशन नहीं है, निफ्टी तो अपने आप ही मेरे को पॉजिटिव दे देगा, क्योंकि ये तो है ही बाय पे, केस इसका है कि इसको सही, इसको भी इसलिए टेंशन नहीं है कि नेगेटिव है, इसलिए टेंशन है मेरे को कि भाई जिस जगह पे मेरे को बाय करना है वो जगह मेरे को पकड़नी जरूरी है, समझो। अगर मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, और मैं घूमने चला गया और इसमें क्रॉसओवर ले लिया तो मेरी सही जगह पकड़ने की मिस हो जाएगी कि नहीं, पॉइंट समझ रहे हो मेरा मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे को उस जगह के लिए वेट करना है, ये तो देखो पॉजिटिव ये तो आ जाएगा अपने, मेरे को इसका टेंशन नहीं है तो अपने आप पॉजिटिव भागेगा। अभी चेक करो LTIM को, LTIM की ये पोजिशन छूटनी नहीं चाहिए ना मेरे से, बताओ यस या नो, जल्दी से बताएं क्या ये पोजीशन छूट जानी चाहिए या नहीं छूटनी चाहिए? नहीं छूटनी चाहिए सर, नहीं छूटनी चाहिए। देखो अब चलना शुरू हुआ मार्केट, हमारा लॉस कितने का था 1600 का, अभी हम अपने लॉस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, देखो कितना हो गया लॉस, अब आ गया 1100, ये तो ऊपर वाला, ऊपर वाले की कोई टेंशन नहीं है, इसको छोड़े रहो ये तो अपने आप पैसा दे देगा आपको। अब क्या मार्केट अपने 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया, यस या नो, यस, क्या मूविंग 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया? जी सर। अब देखो मैंने लॉट को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, मैंने 32 कर दिए है, जिससे मार्केट जब ऊपर चले तो मार्केट यहां तक ऊपर कम से कम जाएगा, तो मार्केट मेरे को मेरा मूव दे देगा जो मेरे को मूव चाहिए था। अब वेट कर रहे हैं, मैं आपको बहुत रेयर केस होगा ये कोई करके नहीं दिखाता कि भाई लॉस करके बैठे
और उसके बाद बोलेगा कि नहीं चलो लॉस को कवर करेंगे, और वो भी सामने 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 लॉस को कवर करना तो महाभारत है, कोई नहीं करेगा, सब मना करके हट जाएंगे, भाई हम अलग से चुपचाप बैठ के क्रॉस करेंगे, ये सारे के सारे जो लॉस है उसको कवर करेंगे, कोई साथ में नहीं करता। लेकिन अगर आपको पता है तो आप कवर करोगे उसे। अभी देखो क्या चल रहा है, मार्केट यहां से अब आया है और ये सपोर्टिव है। अब मार्केट अभी इसका वेट करेगा, क्या मेरी सारी कंडीशन अब पूरी होने की कोशिश कर रही है? देखो यस, क्या सारी कंडीशन पूरी होने की तैयारी में है? देखो चीका उस पेन पास में आ रही है अब जी सर, मार्केट 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है और क्रॉसओवर की तैयारी में है, तो क्रॉसओवर अभी हुआ नहीं, थोड़ा टाइम और ले सकता है। अब मेरे को क्या करना है, मार्केट ऊपर चलेगा तो ये टारगेट 4899 4900, तो मेरे को 4900 पे कुछ क्वांटिटी हटानी चाहिए या नहीं? यस सर, 4900 पे कम से कम दो क्वांटिटी मेरे को, कम क्वांटिटी हटानी है क्योंकि मार्केट का बड़ा मूव चाहिए मेरे को, तो मैं यहां पर दो क्वांटिटी हटाऊंगा, दो क्वांटिटी यहां पर हटेगी, एक क्वांटिटी यहां पर हटेगी और एक क्वांटिटी कम से कम यहां पर, या दो क्वांटिटी यहां पर हटाऊंगा मैं, इसको भी मैं कुछ क्वांटिटी, दो या तीन क्वांटिटी हम यहां पर हटाएंगे। अब वेट करते हैं मार्केट क्या करेगा। लॉस को मैनेज करना सीखो, अगर आप लॉस को मैनेज करना सीख गए तो आप जिंदगी में कभी स्टॉक मार्केट से हारोगे नहीं, और अगर आपने लॉस देख के घबरा गए तो आप मार्केट में काम जिंदगी भर नहीं कर पाओगे। लॉस अगर आप, हम सोचेंगे पॉजिटिव ही पॉजिटिव मिलेगा, पैसा ही पैसा मिलेगा, जाएगा ही नहीं कभी, तो ऐसा होगा नहीं। मार्केट किसी भी टाइम आपका पैसा ले जा सकता है, अगर मार्केट ले गया तो डरना नहीं है, और आ गया तो खुश नहीं होना ज्यादा, कभी भी जा सकता है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं मार्केट की, मार्केट यहां पर थोड़ा साइडवेज बनाएगा, क्यों बनाएगा साइडवेज, इसको क्रॉस करना है ना, इसको पास में आना है, तो अभी मार्केट थोड़ा सा साइडवेज में जाएगा यहां पर, और साइडवेज में जाने के बाद कहां पर आ सकता है, ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट से मार्केट वापस जा सकता है, तो मार्केट यहां से वापस चलेगा और फिर आपको एक मूव देगा। ऊपर जाने के लिए मार्केट को टाइम चाहिए, अभी देखो ये ग्रीन करना चाहिए और ऊपर चलना चाहिए, ये कैंडल ग्रीन होनी चाहिए या नहीं बताओ? यस यस, होनी चाहिए, चलना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है, वेट करें, वेट एंड वॉच, मार्केट क्या करता है, क्या यहां से सपोर्ट बनाता है अपना, अगर एक सपोर्ट बनाएगा तो मार्केट ऊपर चलेगा, वेट एंड वॉच आराम से, क्या करता है, ये कैंडल जब तक ग्रीन ना हो जाए तब तक एंट्री नहीं होगी। देखो ये लेवल टेस्टिंग है, लेवल टेस्टिंग, नीचे भी गिर सकता है लेकिन ये लेवल टेस्टिंग कर रहा है, अगर ये ग्रीन हो जाता है तो आराम से ऊपर की तरफ चल पाएगा, तो इसको ग्रीन हो जाने दो। अभी ये सब यहां पर क्यों मूव करता रहेगा, क्योंकि चीका उस पेन पास में नहीं आई अभी, चीका उस पेन और टाइम ले सकती है, थोड़ा सा 5-10-15 मिनट चीका उस पेन के और भी है जो कि इसके बाय में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट करें मार्केट को। अभी अगर ये ग्रीन करेगा तो मार्केट का एक सपोर्ट लेवल कंफर्म होगा, फिर मार्केट मूव कर पाएगा आराम से, अभी नहीं है। देखो ऊपर क्रॉसओवर की तैयारी है, नीचे क्या हो रहा है, यस ऊपर क्रॉसओवर की तैयारी है, नीचे क्या हो रहा है, देखो ये क्रॉसओवर हो रखा है और यहां पर क्या हो रहा है, देखो कैंडल नीचे ट्रेड कर रही है। अब क्या करना चाहिए, कैंडल को वापस ऊपर जाना चाहिए या नहीं? जी सर, अब कैंडल को वापस ऊपर जाके क्लोज करना चाहिए, क्योंकि मार्केट का अगर क्रॉसओवर आ रहा है तो मार्केट को ऊपर मिलना चाहिए, नीचे नहीं। वेट करते हैं मार्केट क्या करेगा, वेट एंड वॉच। देखो एक ट्रेड में काफी टाइम लगता है, ऐसा नहीं होता कि एक ट्रेड 5 मिनट में खत्म हो गया, वो भी जाता है, कभी कभी 5 मिनट में भी ट्रेड खत्म होते हैं, हमारे ट्रेड कभी कभी सेकेंड्स में भी खत्म होते हैं कि नहीं, राइट सर, हमने सेकेंड्स में भी ट्रेड खत्म किए, और कभी कभी ट्रेड में बहुत टाइम लगता है, पूरा दिन भी लग जाता है। तो अब इस ट्रेड के मेरे पास दो ऑप्शन है, देखो इस ट्रेड का मेरे पास दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ये है कि भाई इसे मैं लॉस में काट दूं, कोई बड़ी इशू नहीं है, इसको हम निफ्टी या बैंक निफ्टी से कवर कर सकते हैं, बहुत आराम से कवर हो जाएगा। लेकिन दूसरे उस केस में क्या होगा, मेरे एफर्ट कुछ नहीं होंगे ना, उस केस में मैंने कोई एफर्ट नहीं किया, काटा दूसरी जगह पर जाके अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, मेरे पास ये है। लेकिन अगर मैं इसको पॉजिटिव काटता हूं तो वो बहुत बड़ी बात है, इस ट्रेड को अगर मैं मैनेज करता हूं पूरे दिन, मेरा दिन जरूर खराब होगा लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, अगर मैं इस ट्रेड को मैनेज करता हूं तो मेरे को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। देखो अभी क्रॉसओवर आ चुका है और ये रूल बोलता है कि मार्केट ने अपनी लो ब्रेक नहीं किया है, तो मार्केट को अब यहां से ऊपर चले जाना चाहिए,
क्योंकि क्रॉसओवर हो रखा है, तो ये आपका रूल बुक बोलती है। वेट करते हैं मार्केट करेगा क्या, यहाँ पर वेट एंड वॉच। सर निफ्टी निफ्टी अगर, में क्या करना चाहिए लॉट एड? निफ्टी में आप कर सकते हो लॉट एड, आप कर लो, आपको इश्यू नहीं है। अब इसके साथ में लॉट एड कर लो, यहाँ पर ही ये जगह है बस, लेकिन ज्यादा लॉट एड मत करना। पॉइंट क्लियर है? ज्यादा लॉट एड मत करना, यहाँ पर एक लॉट ही एड करना। डन? पहले मैंने एक ही लॉट ले रखी है। हाँ, अभी एक लॉट ऐड करना यहाँ, ठीक है? ज्यादा लॉट ऐड मत करना, ये बात ध्यान रखना कि ऐसा ना हो खूब सारे लॉट आप ऐड कर लो, वो मत करना बस। नो नो, ठीक है? हाँ, एक एक ही लॉट ऐड करो उसे, और अभी चलने देना। अभी ये देखो मार्केट ने अब ऊपर जाते हुए अपना ये हाई बनाया, अब इसको ब्रेक होना जरूरी है या नहीं बताओ? अब ये ब्रेक होना बहुत जरूरी है, तो मार्केट अगर मूव करेगा तो उसके बाद ऊपर मार्केट जा सकता है आराम से। वेट करते, वेट एंड वॉच। मार्केट करेगा क्या? अभी कोई बाय नहीं आई मार्केट की, मार्केट को अब दोनों क्रॉसओवर के ऊपर चलना चाहिए। अभी अभी इसमें कमी क्या है बताओ? ट्रेड में कौन बताएगा ट्रेड में कमी क्या है? चीका उस पैन क्रॉस नहीं किया। अभी दो चीजें हमारी पॉजिटिव आ गई है, तीसरी नहीं आई, तो मेरे को तीसरी का वेट करना है। आज ये आपकी ऑप्शन वाली क्लास नहीं होगी, आई एम नॉट वेल, तो ऑप्शन वाली क्लास नहीं करेंगे, ऑप्शन वाली क्लास शाम को ही करेंगे, राइट है? एक दो चीजें मैंने बतानी भी है आपको, तो अभी मैं शाम को ही बताऊंगा उसमें। तो अभी यहाँ पर चलते हैं। अभी मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट का ये एक मूव है और मार्केट अभी अराउंड 60% 61% पे बैठा हुआ है। मार्केट को अब क्या करना है? ये क्रॉसओवर हो चुका है और चीका उस पेन ने भी क्रॉस भी किया, तो हमारे लिए पूरे सिस्टम में क्या इंपॉर्टेंट था? चीका उस पेन ना? जी सर। यस, पूरे सिस्टम में चीका उस पेन बहुत इंपॉर्टेंट थी। ऐसा हो सकता था कि हमारा जो ये क्रॉसओवर है पहले भी आ चुका होता, हो सकता है यहां भी आ चुका होता, लेकिन चीका उस पेन आपको बार बार बचाती रहेगी, राइट? चीका उस पेन आपको बार बार बचाती रहेगी कि मार्केट में कहां पर आपका मूव होगा, वो आपको बताती रहेगी। अभी तक एक बार भी चीका उस पेन ने इसको क्रॉस नहीं किया। एक बार अगर इसको क्रॉस करके चली गई, फिर मार्केट अपना सेलिंग की तरफ से हट जाएगा, फिर मार्केट बाय की तरफ आ जाएगा। और ये कब होगा? जब मार्केट अभी इसके ऊपर आ जाएगा, एक भी कैंडल अब इसके ऊपर क्लोज होगी तो उस टाइम पर, यहां पर आप फॉल्स ब्रेकआउट डिटेक्ट कर सकते थे। आप बताओ जब मार्केट यहां पर था तो क्या बाय आ जाती? नहीं, जब फर्स्ट टाइम आया, क्यों? क्योंकि चीका उस पेन दूर बैठी थी ना, राइट सर? राइट है, तो हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए? चीका उस पेन भी, ये कैंडल भी ऊपर आ जाए और चीका उस पेन भी क्रॉस कर जाए, तो वो हमारे पास एक बहुत अच्छी बाय हमारी बन सकती है। तो अभी फॉल्स बाय डिटेक्ट हुई ऊपर, अभी मार्केट जा सकता था ऊपर। देखो ऐसा हो सकता था उस टाइम पर भी कि मार्केट यहां पर होता और चीका उस पेन क्रॉस कर जाती, ऐसा भी हो सकता था, राइट है? लेकिन हमें कौन सी कंडीशन चेक करनी है? जब मार्केट में चीका उस पेन कम से कम कैंडल को क्रॉस करती हुई हो, या कन्वर्जन लाइन, या आपका 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रही है, तो बहुत ही अच्छा है, तब तो आप बहुत अच्छे से जा सकते हो। देखो ये आपका पॉजिटिव आ चुका है, ये रहा पॉजिटिव, ठीक है? तो अब अगर ऊपर जाएगा तो अब की बार ज्यादा नहीं रखेंगे, इसको काट देंगे, ठीक है? देखो चल रहा है, अभी हमने हटाया नहीं है, आपने ऐड किया एक लॉट, उसका फायदा मिल गया होगा। किसने ऐड किया था एक लॉट? किसने ऐड किया था? हाँ जी, किसी ने एक लॉट ऐड किया था ना, अभी अभी बोल रहे थे कि और एक और लॉट ऐड करना है, तो उनको फायदा मिल रहा होगा। अब मार्केट का मूव यहां तक है, यहां तक का मूव, और एक बड़ा मूव मार्केट के पास में एक्सपेक्टेड है, तो अभी चलने देते हैं। ये चल रहा है, अभी तक हमने इसे छेड़ा नहीं है। देखो तीनों ट्रेड को हम 1.5 घंटे से लगा के बैठे हैं, और मैंने इसे तीन बार नेगेटिव भी ले आया, उसके बाद भी ये पॉजिटिव है। मैंने आपको अभी अभी एक वर्ड बोला था कि मेरे को इसकी चिंता नहीं है, ये बोला था कि नहीं बताओ? निफ्टी की चिंता मेरे को नहीं है, निफ्टी अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, इसके लिए मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं ये बोल रहा हूं कि मेरे को इसकी जगह ढूंढनी है, इसकी भी टेंशन नहीं है, ये भी मैंने आपको वर्ड बोला, इसकी भी मुझे टेंशन नहीं है, लेकिन दिक्कत किस बात की है कि वो लेवल ना छूट जाए जब मेरे को इसे बाय करनी है, वो छूटना नहीं चाहिए मेरे से, क्योंकि वो छूटेगा तो मेरी एवरेजिंग सही नहीं होगी, और एवरेजिंग सही नहीं होगी तो फिर ये लॉस कवर नहीं होगा, तो इसलिए वो वाला पार्ट नहीं छूटना चाहिए मेरे पार्ट से, मेरे को उस पार्ट की चिंता है। चलिए अब चलते हैं। देखो मार्केट अभी आया नहीं है बाय में,
पांच मिनट और देखते थे फिर क्लास को रोकेंगे। मार्केट अभी आया नहीं है बाय में और नीचे ही बैठा है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? चीका हाउस पेन। चीका हाउस पेन ने अभी आपको बाय नहीं दिया है और हमें इसका बाय मिलना बहुत जरूरी है। तो आप देख रहे हैं कि मार्केट यहां से इस पूरे जोन में मार्केट अभी साइडवेज कन्वर्ट हो रखा है। पॉसिबल है कि आपका चीका हाउस पेन पास में आ जाए। थोड़ा सा टाइम चाहिए चीका हाउस पेन को बाय करने के लिए, थोड़ा सा टाइम, ज्यादा टाइम नहीं चाहिए मार्केट को बाय करने के लिए। आप देखोगे तो 8 सेकेंड है, हमने कौन से टाइम फ्रेम की कैंडल भी लगा रखी है, 1 मिनट की, 8 मिनट सॉरी, ठीक है 8 मिनट आपको चाहिए एक बाय आने के लिए। अगर बाय आती है तो 8 मिनट के अंदर आपके पास एक बाय आपको देखने को मिल सकती है। ये चल रहा है देखो निफ्टी, और निफ्टी हालांकि इसको भी निफ्टी को भी छोड़ दोगे सारा लॉस ऐसे ही कवर हो जाता है, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम काम कर रहे हैं, हमें लगता है कि नहीं भाई हमें एक ट्रेड को पॉजिटिव लाना है, इसलिए हम काम कर रहे हैं इसमें। डन 47 है, देखो 55 पे मैं इसे काट देता हूं, जिससे हम 255 राइट है ऊपर चलेगा तो हम इसे काट देंगे। देखो अब ये चलना शुरू हुआ, ऊपर चलना शुरू हुआ है, अभी गया नहीं है, अभी वेट कर रहे हैं। एक ट्रेड की वेट करनी पड़ती है कि आपका ट्रेड कब एक पॉजिटिव मूव देगा, इसके ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा ये, इस वाली लाइन के। अब मेरा ट्रेड इसके ऊपर पॉजिटिव है। अब देखो दोनों आपको एक पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, यहां पर ये भी इसके ऊपर आ गई है और ये भी चीका हाउस पेन पास में आ गई, राइट, ये अच्छा पॉइंट है राइट। लेकिन अभी क्रॉसओवर अभी भी नहीं हुआ। मेरे को सबसे अच्छा क्रॉसओवर कब मिलेगा? जब ये कैंडल भी छोड़ के अपनी कन्वर्जन लाइन या 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगी, और सबसे अच्छा 20 को क्रॉस करेगी, तो आपका बहुत अच्छा बाय शुरू हो जाएगा उस पार्ट में, बहुत अच्छा बाय आपको देखने को मिल सकता है। तो वेट कर रहे हैं, देखो मार्केट ऊपर चल रहा है, मार्केट ऊपर चल रहा है और ये चल रहा है। अब ये आराम से अगर चीता उस पेन क्रॉस कर जाएगी तो अपना बाय एक आराम से निकाल सकता है। वेट कर रहे हैं, अगर ये ट्रेड हमारा पॉजिटिव निकलता है तो एक अच्छी सक्सेस होगी हमारे पास या नहीं बताओ? हमारे एफर्ट सक्सेसफुल हो जाएंगे कि नहीं बताओ? यस सर। जो हम 1 घंटे से कर रहे हैं बहुत मुश्किल काम होता है। अगर आप कभी, जब मैं तो चाहता हूं आप बहुत अच्छे मेंटर बने, लेकिन जब भी मेंटर बनेंगे तो ये चीज दिखानी बहुत मुश्किल काम होती है कि आप किसी ट्रेड को नेगेटिव दिखाओ। अलबत्ता तो लोग अपना ट्रेड ही दिखाना बंद कर देंगे कि नहीं कि नेगेटिव जा रहा है तो हट जाएंगे वहां से, ठीक है। लेकिन ये ट्रेड दिखाना और उसको पॉजिटिव लाना, अभी भी देखो, और ये बोल के कि नेगेटिव है पॉजिटिव लाना है, हम 1 घंटे से इसके पीछे पड़े और अब हम इस ट्रेड को पॉजिटिव की तैयारी कर रहे हैं और इसके ऊपर बहुत जल्दी ये पॉजिटिव दे देगा मेरे को। अब मेरे को इसे टाइम पे काटना है, समझो ये जो मेरे पास लॉट्स है इनको मेरे को टाइम पे काटना है। इसके ऊपर एक एक क्वांटिटी को मेरे को काटना पड़ेगा जिससे मैं पार्शियल लॉस पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकूं, राइट, होना चाहिए या नहीं? 4881 पहला मेरे को चाहिए, 4900 राइट चाहिए, 4900 पे एक क्वांटिटी, छोटी छोटी क्वांटिटी काटनी है मैंने, बड़ी क्वांटिटी नहीं काटनी है, समझिए। एक एक लॉट को, एक एक क्वांटिटी को मैं हटाऊंगा। इसके ऊपर एक लॉट 4888 4890 पे लीजिए, ठीक है। तो अब देखो मैं कहां कहां इसको काट रहा हूं, ये मेरे को चाहिए 4890 पे मेरे को एक काटना है। चेक करते रहिए मैं क्या कर रहा हूं, ये आपके पास, आपको जब ट्रेड करोगे तो ये काम में आएगा। नेगेटिव ट्रेड को बताना, मैं अभी भी बोल रहा हूं मुश्किल काम होता है, लेकिन आपके लिए मैं सारी चीजें करता हूं क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को आपको सिखाना है। ये सारे एजुकेशन पार्ट है, ये कोई ट्रेडिंग पार्ट नहीं है, तो मैं केवल एजुकेशन पार्ट पे आपको ये सिखाता हूं कि ये कैसे हुआ करता है, कैसे आप एक नेगेटिव ट्रेड को मैनेज करके पॉजिटिव ट्रेड में कन्वर्ट कर देते हो। अभी वेट करते हैं मार्केट अब क्या कर रहा है। अगर मैं यहां पर देखता हूं तो देखो क्रॉस कर रहा है अपनी कैंडल को, राइट, सही जगह है या नहीं? अब ये पॉजिटिव मूव है, लेकिन मैंने क्या बोला, मेरे को क्या चाहिए, कैंडल क्रॉस कर रही है अच्छी बात है, एक कन्वर्जन लाइन और एक 20 मूविंग एवरेज। तो अभी थोड़ा सा टाइम और बचा है इसका, अभी मार्केट यही घूमता रहेगा, अब नीचे कम जाएगा, अब नीचे मुश्किल जाएगा, यही कहीं से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चलने की कोशिश करेगा। तो अभी वेट करते हैं, आप चाहो तो नीचे से कोई लॉट एक क्वांटिटी ऐड करके और ऐड करके ऊपर की तरफ चल सकते हो अगर चाहो तो वेट करते हैं अभी मार्केट क्या करेगा।
अब चूंकि क्रॉस किया है मार्केट ने, कैंडल को क्रॉस किया, अभी पूरा क्रॉस भी किया है, तो भी थोड़ा सा वेट करेंगे मार्केट क्या करता है। कैंडल को क्रॉस कर ले पूरा और उसके बाद कन्वर्जन लाइन पे जाएगा तो एक श्योरिटी होती है कि हाँ मार्केट अब अपना पॉजिटिव मूव एक्सेप्ट करेगा, अभी किया नहीं है। और मार्केट ने अपना अभी तक का जो हाई बना के रखा है रेजिस्टेंस, वो कौन सा है, मार्केट का रेजिस्टेंस है ये वाला, इसको भी मैं हाई पे मार्क कर देता हूं, राइट है। इसका मतलब अब देखो मार्केट ये जा रहा है, एक रिट्रेस कर रहा है, अब इसके ऊपर निकलेगा तो मार्केट का ये टारगेट है, राइट है। इसके ऊपर चला जाएगा तो मार्केट का एक सपोर्टिव मार्केट बन जाएगा, तो वेट कर रहे हैं मार्केट यहां पर करेगा क्या। यहां से इस रैली के कितने परसेंट आ सकता है मार्केट, 50 और 61? जी सर आ सकता है, तो अभी वेट कर रहे हैं, अभी आया नहीं। अभी तो देखो मार्केट अपनी कैंडल के ऊपर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, और कैंडल का सपोर्ट उतना अच्छा सपोर्ट नहीं होता, ये भी आपको मैं बताऊं, कैंडल का सपोर्ट उतना अच्छा सपोर्ट नहीं होता, कम से कम सेकंड सपोर्ट पे चली जाए, दैट इज कन्वर्जन लाइन, कम से कम कन्वर्जन लाइन पे मार्केट चला जाए तब हम बोलेंगे एक अच्छा सपोर्ट है। अभी ये कोई बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं है कैंडल वाला, इसीलिए हम उस पर ज्यादा कुछ रिएक्शन कर नहीं रहे, क्योंकि मार्केट यहां से एक रिजेक्शन लेके भी चला जाता है कभी कभी, तो इसलिए कैंडल का सपोर्ट बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं होता। मार्केट अपने कन्वर्जन लाइन पे क्रॉस करेगा तो मेरा एक अच्छा सपोर्ट बनना शुरू होगा, तब मैं बोलूंगा मार्केट का एक अच्छा सपोर्ट है। यहां पर से चेक करो मार्केट, इसको रिएक्शन देखो यहां पर क्या हो रहा है, एक एक बार रिएक्शन चेक करो कि मार्केट यहां पर करता क्या है। देखो नीचे आ रही है चीका, उसमें आ रही है, अब देखना है कि ये कन्वर्जन लाइन को कब क्रॉस करती है, जब कन्वर्जन लाइन को क्रॉस करेगी तब मार्केट का एक मूव शुरू होगा, तो अभी ऐसे करके कन्वर्जन लाइन को क्रॉस कर सकती है ऊपर की तरफ, अगर आप देखोगे ये ऐसे जाएगी, ऐसे क्रॉस करेगी, वेट करते हैं देखते हैं क्या होता है, राइट। अभी मार्केट का बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं है, ये मैंने भी अभी आपको बोला कि मार्केट का बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं है ये, क्यों, क्योंकि जब तक कन्वर्जन लाइन क्रॉस नहीं होगी तब तक मैं एक बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं मानूंगा, और अगर 20 क्रॉस करती है तो हमारे पास एक अच्छा सपोर्ट माना जाएगा उस केस में, ठीक है। चलिए इसको 49 हमने इसको कहां पर लगा रखा है, नीचे 55 पे, चलो 55 पे ये ऊपर वाला कट जाएगा तब हम केवल इसको मैनेज करेंगे, तब हम केवल इसको मैनेज करेंगे, अभी टाइम है हमारे पास थोड़ा सा, और वेट करते हैं 48 हुए, 55 पे हटा देगा हमें, तो अभी हम थोड़ा सा और वेट करते हैं कि मार्केट क्या करेगा। लेकिन मेरे को मेन कंसर्न इसका है, अगर इसके ऊपर चला जाएगा तो आप देखो आपका जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन कैसे बन रही है, आप लोग ट्रेंड लाइन पे काम करते होंगे तो ट्रेंड लाइन मेरी कैसी जा रही है, एक ट्रेंड लाइन अगर मैं देखूंगा, दो ही ट्रेंड लाइन बना रहा हूं मैं यहां पर, ज्यादा बड़ी नहीं, एक ये वाली और एक ये वाली, तो मार्केट को इस ट्रेंड को ब्रेक करना पड़ेगा। अब वेट करते हैं कि मार्केट ट्रेंड को कैसे ब्रेक करता है, ये तेजी से ब्रेक कर सकता है, बड़ा स्टॉक है तो तेजी से ऊपर जाएगा, ये बात ध्यान रखना कि जब कभी भी ये मार्केट ऐसा करता है तो बहुत तेजी से ऊपर जाता है, क्योंकि बड़े प्राइस का स्टॉक होता है ये, तो ये तेजी तेजी से ऊपर निकलेगा। अभी देखिए चल रहा है, ये चल रहा है, मैंने हटाया किसी को भी नहीं, ऐसे ही पड़े हैं सारे के सारे। अब ये मार्केट अपने सपोर्ट पर आया, ये सपोर्ट है, अभी से ऊपर चलना चाहिए इसको, और यहां पर क्या हो रहा है आप देखें जरा, यहां पर क्या हो रहा है, क्या कन्वर्जन लाइन को क्रॉस करने पहुंच गई, यस सर ऑलमोस्ट पहुंच गई है, तो अब मेरे को वेट कर, अभी कर ही नहीं है, अभी कर ही नहीं है, अभी वेट ही कर रहे हैं, वेट ही कर रहे हैं, तो अब मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगा। अब देखो कंसेप्ट अब समझो, मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगा और यहां कन्वर्जन लाइन ब्रेक होगी, यही तो होगा, दोनों वेट करना है। अब केवल हमारी कंडीशन ये है मार्केट इस लो को ब्रेक ना करे, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, मार्केट इस लो को ब्रेक ना करे और इस हाई को ब्रेक करे और ये चीका उस पैन कन्वर्जन लाइन को क्रॉस कर जाए। मैंने आपको एक पॉइंट बोला था अभी, अगर ध्यान है तो मैंने बोला था ये जो कैंडल अगर क्रॉस करती है तो मेरे लिए बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं है, अगर मार्केट कन्वर्जन लाइन को क्रॉस करता है, चीका उस पैन कन्वर्जन लाइन को क्रॉस करती है, तो मैं बोलता हूं ठीक ठाक चलो सपोर्ट है। लेकिन सबसे अच्छा सपोर्ट कब मिलता है, जब मार्केट 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा, तो मार्केट फुल फ्लेज बाय में हो जाता है, तब आप बाय साइड ही रख सकते हो। तो अभी आप चेक करो मार्केट ने कैंडल को क्रॉस किया और कैंडल को क्रॉस करके मार्केट नीचे की तरफ आया है, अभी हालांकि लो को ब्रेक नहीं किया है मार्केट ने और मार्केट का ये सपोर्ट लेवल भी है, तो देखते हैं मार्केट क्या करता है। मार्केट इसके ऊपर जाना चाहिए, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो देखो ये आप
मार्केट में ट्रेंड लाइन ही फॉलो हो रही है या नहीं? अभी मार्केट की ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है, अभी अभी ट्रेंड लाइन ब्रेक ही नहीं हुई है, ये ब्रेक होनी बहुत जरूरी है। और ये ब्रेक अक्सर कब होगी? तब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है जब मार्केट 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है, उस टाइम पर ये अपने ट्रेंड को भी ब्रेक करेगा। तो अभी थोड़ा सा रुका रहेगा मार्केट, थोड़ा सा अभी वेट करिए, थोड़ा सा और आपको बाय आने में टाइम लग सकता है। ये देखो हमने रखे हुए, हम हटा नहीं रहे हैं, आराम से बैठे हुए। अब देखना है कि जब कभी भी ये ब्रेक करेगा, हमारे टाइम पे आ जाता है तो बहुत अच्छा। मैंने कोशिश करी थी कि मार्केट हमारे टाइम पर ही एक बाय ले ले, लेकिन मार्केट अपने हिसाब से चलेगा, हमारे हिसाब से नहीं। तो अपने हिसाब से चलेगा तो अपने हिसाब से बाय लेगा। जिस मोमेंट मार्केट इसे ब्रेक करेगा, उस मोमेंट आपको अपने लॉट को ऐड कर देना है, और तब आपका मार्केट बड़ी जल्दी आपका रिकवरी दे देगा। क्योंकि इसके लिए अगर 5,000 रुपए का स्टॉक है तो इसके लिए 100-200 पॉइंट मूव करना कोई बड़ी बात नहीं है, और हमारा मार्केट 1700 रुपए आराम से कवर कर सकता है इस अगर ये इसके ऊपर चला जाता है। अभी आया नहीं वो बात अलग है, लेकिन इसका वेट करिएगा। अगर आप लोगों ने लिया हुआ है तो जिस मोमेंट मार्केट इसके ऊपर चलेगा, अपना ऐड कर देना, कुछ लॉट अपने ऐड कर देना और फिर चलने देना मार्केट को। ये सारे टारगेट बहुत जल्दी अचीव कर देगा मार्केट, राइट है? तो चलिए क्लास को फिर मैं रोकता हूं अभी, क्योंकि मार्केट अभी आया नहीं है। आ जाता पोजीशन पे तो मैं आपको इसे दिखा भी देता, शाम को देखते हैं इसका क्या होता है। अभी बाय आया नहीं है, जब बाय आएगा तब लीजिएगा, ठीक है? अभी नहीं, चलिए ओके बाय बाय। इंजीनियर